बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। मुख्तार की मौत की जांच होनी चाहिए। लगातार विपक्षी नेता मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मुख्तार के परिवार वालों ने भी सवाल उठाए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा कि मेरे पिता की मौत स्वाभाविक मौत नहीं है, बल्कि ये साजिशन हत्या है। पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठाए कि हमें यूपी सरकार पे भरोसा नहीं है, इसलिए मेरे पिता का पोस्टमार्टम जो है दिल्ली एम्स में होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर यूपी सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। ये जब किसी भी डिसीज के फैमिली मेंबर कोई बात कहते हैं तो उसको आपको सीरियस लेने की बहुत जरूरत है। और अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे जिसमें उन्होंने इस एप्रिहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो MP हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भेजा दिया गया। सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है। और ये तो दूसरा वाकया है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रिहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? एक आदमी की तो मौत हो गई ना, इसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दिए, वो जान चले गई उनकी, इसमें पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस को जस्टिस करना चाहिए।